नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10, 11 और 12 मई की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते हैं अश्विनी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। 10 मई की बात करें तो दोस्तों, इन दिन सोमवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी और अश्विनी नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन आयुष्मान नाम के बाद सौभाग्य नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल का समय सुबह के 7:29 से लेकर सुबह के 9:07 रहेगा। ध्यान रहे, राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा और इस दिन अमावस्या तिथि और भरणी नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन शोभन नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं जो कि लाभप्रद होंगे और राहुकाल का समय जो है 3:39 से लेकर 5:17 रहेगा। चंद्रमा मेष राशि पर इस दिन भी संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें तो दोस्तों, इस दिन बुधवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगा, कृतिका नाम का नक्षत्र भी दिन होगी और तिगंड नाम का शुभ योग दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, राहु काल का समय दिन दोपहर के 12:23 से लेकर दोपहर के 2:01 रहेगा। चंद्रमा मेष के उपरांत वृषभ में संचार कर जाएंगे। तो आए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का या मेष वृषभ में गोचर आपकी राशि के लिए कितना भाग्यशाली होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आपका पराक्रम बढ़ेगा, मन उत्साहित रहेगा, यात्रा लाभदायी साबित होगी। दोस्तों, परिवार के साथ भी आपके यात्रा का योग बन रहा है, पिता और राज्य अधिकारियों का सहयोग यश में मिलेगा। दोस्तों, आपके पूरे करियर की दिशा जो है इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है, ये परियोजना विदेश से संबंधित हो सकती है। दोस्तों, यश में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो नए कार्य में हाथ डालने के लिए बिल्कुल समय अच्छा नहीं है। इस दौरान आपके कामों में रुकावटें आएंगी, लेकिन धैर्य से काम करना आपके लिए यश में बेहतर होगा। स्वभाव में गुस्सा और घमंड की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, यश में साधुसुधा लोगों को अपनी टकराव होने देने से अलगाव की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों, यश में इन दिनों में आपको अपनी भीतरी शक्ति पर भरोसा करना होगा। कुछ लोग आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, आपकी रचनात्मक बहुत अच्छी रह सकती है। दोस्तों, यश में अगर आप अपनी योजनाओं पर काम करेंगे या फिर काम करना शुरू करेंगे तो आपकी सारी जो है शंकाएँ भी यश में खत्म हो जाएंगी। नए व्यापारिक सौदे और मीटिंग यश में हो सकता है। आप अगर कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों, यश में आपको थोड़ा गंभीरता के साथ विचार और विश्लेषण करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में शाम के बाद समय काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, यश में इन दिनों में आपकी करियर को लेकर अगर बात करें तो संगीत, वस्त्र, रत्न आदि उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। दोस्तों, यश में करियर में उतार चढ़ाव की संभावना भी है, विदेश जाने का मौका भी आपको यश में मिल सकता है, पैसों का खर्च भी यश में होगा। दोस्तों, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए यश में उन्नति के अवसर आएंगे। तो वहीं दोस्तों, यश में आपकी जो है लव लाइफ की बात करें तो वैवाहिक जातकों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल साबित होने वाला है। कोई संभावना है कि आपकी सेहत के खराब होने से जो है आपके स्वभाव में अजीब सी चिड़चिड़ाहट दिखाई दे सकता है, जिसके कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो सकता है। दोस्तों, यश में आप अपने वाणी में संयम रखने की कोशिश करें। वही दोस्तों, यश में जो है आपका लव लाइफ के लिए दिन जो है भावनात्मक हो सकता है, आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग भी यश में मिलेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो समय है आपको तनाव और नकारात्मक विचारों से बचना होगा, ये जो आपको शिथिल कर सकते हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में आपकी
सिर में दर्द की समस्या हो सकती है जिससे आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यश में गणेश जी बताते हैं कि ये जो समय है अत्यधिक संवेदनशील और मूडी होंगे तथा आपको एकांक में रहना यश में अधिक पसंद होगा। आप आत्मीयता और अन्य लोगों की समस्याओं से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यश में ऐसे समय में योग साधना और आध्यात्मिकता का सहारा लेने से आपका मन हल्का बनेगा। वे दोस्तों यश में आपकी धन को लेकर बात करें तो पेशेवर मोर्चे पर ये जो दिन है इतना आसान नहीं रहेगा। तकनीकी समस्याएं वायरस के माध्यम से आकर आपको परेशान कर सकती है। आप समस्याओं के मूल कारण की पहचान भी यश में कर पाएंगे। दोस्तों समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने से जो है सूरत में हताश होने की संभावना बन रही है। दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं। वहीं दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो यश में आप अपने जीवन साथी और माता पिता के साथ एक अविस्मरणीय समय बिताएंगे। आप कुछ अनूठे उपहारों को देकर हर किसी को खुश करने का यश में प्रयास करेंगे। अपने परिवार के साथ बिताया गया समय जो है यश में निश्चित रूप से आपके लिए यादगार दिन रहेगा। दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं। वहीं दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो उन चीज़ों के लिए धन खर्चा करेंगे जो गैर जरूरी हो। दोस्तों यश में आप विपरीत लिंगी लोगों यात्रा और दक्षिण सुख या फिर किसी इवेंट के पीछे जो है पैसा खर्च कर सकते हैं। वही दोस्तों यश में गणेश जी का मानना है कि सितारे आपके पक्ष में नहीं है, जो है आप जल्द ही थके हुए महसूस करेंगे। इसके अलावा आप जो है केवल उन कार्यों को करना पसंद करेंगे जो आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही दोस्तों यह समय साथी को लुभाने के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अच्छे स्वास्थ्य और मज़ेदार गपशप की यश में ज़रूरत होगी। वहीं दोस्तों यश में तली भुनी चीज़ों से आप दूर रहें और नियमित व्यायाम करें। दोस्तों अपने लिए पैसे बचाने का जो आपका ख्याल है यश में पूरा हो सकता है। आप उचित बचत कर पाने में यह समय सक्षम होंगे। दोस्त और जीवन साथी आराम तथा खुशी देंगे, नहीं तो बाकी दिन जो है उबाऊ में नीरस गुजरेगा। दोस्तों समय कामकाज पेशा यार दोस्त नाते रिश्ते सब एक और आपका प्यार एक तरफ, दोनों आपस में खोए हुए हैं। आज के दिन कुछ ऐसा मिजाज रहेगा। दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में लगती है। दोस्तों यश में लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। दोस्तों एक बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन वाकई अद्भुत लगता है और इस बात का अनुभव आपको यश समय हो सकता है। दोस्तों इन दिनों में सरसों के तेल में अपना मुख देखकर दान करने से ये जो समय आपके स्वास्थ्य के लिए है बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यश में आपके सरल उपाय की अगर बात करें तो समय समय पर माता महालक्ष्मी के मंदिर में आपको झाड़ू का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे और माता लक्ष्मी के मंदिर में सुगंधित अगरबत्ती का भी आप दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को जो है माँ लक्ष्मी की अपार खुशियों की प्राप्ति होती है, अपार कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों जरूर ये उपाय को आप यश में करें। इनसे दोस्तों आपके सभी कार्यों को जो है सफलतापूर्वक संपन्न होते आप देख पाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर यश में रहने वाली है। तो दोस्तों हो सके तो इन उपायों को करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और साथ ही दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।